तो ये देखिए ये कितनी ज़्यादा सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनी है। इसकी आप जाली देखिए, ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, इज इट अ कुकी किचन में हम बनाने वाले हैं सूजी से बनने वाली इडली। और ये इडली इंस्टेंट बनकर तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है और लाइट भी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इडली बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक छौका पैन रख लिया है। इसके अंदर हम डालेंगे 1 टीस्पून देसी घी। इसको मेल्ट होने देंगे और गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो रखेंगे। घी हमारे यहाँ पर मेल्ट हो गया है तो अब हम इसके अंदर डालेंगे लगभग 1 टीस्पून राई। इसको हम स्प्लैटर होने देंगे और गैस की फ्लेम को हम बिल्कुल स्लो ही रखेंगे। ये देखिए राई हमारी हल्की हल्की स्प्लैटर होना शुरू हो गई है तो अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 टीस्पून सफ़ेद वाले तिल। इसका जो टेस्ट है वो बहुत अच्छा आता है इडली के अंदर। साथ ही हमारी ये एक हरी मिर्ची है जिसको हमने बहुत हम डालेंगे इसमें एक हरी मिर्ची जिसको हमने फाइन चॉप किया है, लगभग 10 से 12 करी पत्ते जिसको फाइन चॉप किया है। एक बार इसको अच्छी तरीके से स्टर कर लेंगे। ये देखिए तड़का हमारा अच्छी तरीके से तैयार हो गया है। जो तिल है उसमें से अच्छे से खुशबू आने लगी है। गैस को हम बंद कर देंगे। जब हम देसी घी के अंदर राई और हरी मिर्ची इन सब चीजों का जब तड़का लगाते हैं तो इडली के अंदर इसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है। तो चलिए अब हम अपना नेक्स्ट प्रोसेस करते हैं। सेकेंड प्रोसेस में हम इसके अंदर डालेंगे 1 कप मोटी वाली सूजी। मोटी वाली जो सूजी आती है, जो कोर्सली सूजी आती है, उसकी जो इडली है वो बहुत बढ़िया बनती है। और जितनी हमारी सूजी है उतनी ही हम इसके अंदर दही डालेंगे। बहुत सिंपल मेजरमेंट है। ये देखिए जितनी हमने सूजी ली थी उतनी ही हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं। दही अगर आपका खट्टा है तो वो और भी अच्छा रहेगा। साथ ही हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून चीनी। चीनी से इसको फर्मेंटेशन बहुत बढ़िया मिलता है। साथ ही 1 नींबू का रस, लगभग 1.5 टीस्पून डालेंगे नमक। यहाँ हम सेंधा नमक यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो आप टाटा सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। और साथ ही जो हमने ये तड़का बनाया था ये भी हम ऐड कर देंगे। तो चलिए अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। सब चीज़ें हमने यहाँ पर अच्छी तरीके से मिक्स कर दी है और आप देख सकते हैं ये हमारा जो बैटर है वो काफ़ी थिक है। तो अब हम इसके अंदर पानी डालेंगे। लगभग 1/2 कप पानी हमने इसमें ऐड कर दिया है। पानी भी हमने उसी कप से ऐड किया है जिससे हमने सूजी और दही मेज़र की थी। एक बात का ध्यान रखिएगा, इडली बनाते वक्त आप जो भी मेज़रमेंट करें सूजी और दही का एक ही कप से कीजिएगा। तो ये देखिए हमारा जो इडली का बैटर है वो तैयार हो गया है। इस तरीके का बैटर आपका बनना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं है और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं है। तो इस बैटर को हम लगभग 1/2 घंटे के लिए कवर करके रखेंगे जिससे कि सूजी हमारी अच्छी तरीके से फूट जाए। 1/2 आवर हो गया है और आप देख सकते हैं जो बैटर है वो काफ़ी थिक हो गया है। सूजी हमारी यहाँ पर अच्छी तरीके से फूल गई है। तो अब हम इसके अंदर लगभग 1/2 कप पानी और डाल देंगे और दोबारा से इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये देखिए 1/2 कप पानी डालने के बाद हमारा जो बैटर है वो परफेक्ट बन गया है। इस तरीके का ये बैटर आपका बनकर तैयार होगा। तो चलिए अब हम इसके अंदर लास्ट इंग्रेडिएंट हम डालेंगे इसके अंदर खाने वाला मीठा सोडा। लगभग 1 टीस्पून है ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। खाने वाला जो मीठा सोडा होता है वो सबके घर पर होता है। तो चलिए अब इसको जल्दी से मिक्स कर देंगे। सोडा डालने के बाद हमने इसको अच्छे से मिक्स कर दिया है तो अब हम अपने इस बैटर को डालेंगे इडली मोल्ड। हमने यहाँ पर इडली स्टैंड को अच्छी तरीके से ग्रीस करके रख लिया है तो अब हम इसके अंदर ये बैटर डालेंगे। हमने इसमें लगभग 1.5 चम्मच बैटर डाला है।
तो ये देखिए सभी मोड्स में हमने बैटर को अच्छे से डाल दिया है, तो अब हम इसको लॉक कर देंगे। और लॉक करने के बाद इसको लगभग 2 से 3 बार टैप कर लेंगे। तो चलिए अब हम इसको कुकर के अंदर रखते हैं और अच्छे से स्टीम करेंगे। तो हमने यहाँ पर कुकर रख लिया है और कुकर के अंदर हमने 2 ग्लास पानी डालकर अच्छी तरीके से बॉईल कर लिया है। गैस की फ्लेम को हम फुल रखेंगे और इडली स्टैंड को हम कुकर के अंदर रख देंगे और ऊपर से हम इसका कवर ऐसे ही ढक देंगे। विसल को हमने निकाल दिया है और लगभग 10 मिनट के लिए हम इसको स्टीम करेंगे। लगभग 10 मिनट हो गए हैं, तो अब हम लिड को हटाकर देख लेते हैं। और ये देखिए जो हमारी इडली है वो अच्छी तरीके से फूल गई है। ये देखिए हमारी इडली अच्छी तरीके से फूल गई है। गैस को हम बंद कर देंगे और इडली स्टैंड को बाहर निकाल लेंगे और जब हमारी इडली थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी तभी हम इनको डीमोल्ड करेंगे। तो ये देखिए हमारी सॉफ्ट और स्पॉन्जी इडली बनकर तैयार हो गई है। अगर आप इसमें जाली देखें ना तो ये बिल्कुल परफेक्ट जाली आई है, बिल्कुल स्पॉन्जी इडली बनकर तैयार हुई है। और अगर आपको हमारी ये इडली की रेसिपी पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में, और इज इट अ कुक चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना भी मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।